Good morning, students. Myself, Sangeeta. I will teach you English grammar. Book syntax से हम लोग chapter 8 पढ़ेंगे. Okay? Look here. क्या करना हमको पहले arrange करनी है alphabetical order में दिए गए words को. सभी words जो है F से ही start है. सभी words F से start है. Okay? Train, fly, farm and fish. तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमको देखना, फर्स्ट तो सभी एक ही है, अब हम सेकेंड लेटर में आएंगे. सेकेंड में क्या है? आर एन ए एंड आई. तो ए क्या है? फर्स्ट पहले आता है ए, अल्फाबेटिकल में ए बी सी डी करके आता है तो पहले आता है. यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ए बी सी डी करके डालते हैं. यहाँ देखिए ए बी सी डी ई आर जी एच आई आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी. अब आपको यही ध्यान देनी है कि फर्स्ट क्या आता है? ए आता है. इसमें स्मॉल भी डाल लीजिए, समझने में सुविधा होगी. ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस T U V W X Y and Z. ध्यान दें. तो क्या है? सभी में एक है, कोई दिक्कत नहीं. एक के बाद हम सेकेंड लेटर में आ गए तो पहले ए आता है. ए तो हमने फार ले लिया. फार नाम पर एक क्या हुआ? ए आता है. B C D E F G H I आता है, इसलिए हमने फीस लिखा. ओके, नेक्स्ट आई आता है जे के एल. जे के तो कोई वर्ड नहीं है, एल है, सो हमने फ्लैग लिखा. एंड आफ्टर लास्ट में ट्रेन लिखा. ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में भी यही करना है, ऐसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करनी है. तो सभी का फर्स्ट लेटर पी है, कोई दिक्कत नहीं है. सभी का फर्स्ट लेटर पी है, हम सेकेंड लेटर में आएंगे. सेकेंड में पी का आई है, प्ले में एल है, प्लेन में एल है एंड प्लान में ए है एंड पार्ट में ए है. तो सबसे पहले ए आता है तो हम पार्ट को लिखेंगे, है ना? पी ए आर टी पार्ट. आपका पहले आई आता है तो पी लिखेंगे, पी. अब यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों में प्ले एंड प्लान में, प्ले एंड प्लान में क्या दोनों में सेकेंड लेटर एल है, ठीक है? तो दोनों में सेकेंड कॉमन है. अब क्या है? थर्ड लेटर लिखेंगे. थर्ड में दोनों में ए है, दोनों ए है, तो इसको भी छाट देंगे. फिर अब आगे बढ़ेंगे. फोर्थ लेटर क्या है? एन एंड वाई. एन एंड वाई में पहले कौन आता है? एन आता है और लास्ट में वाई आता है. तो हम यहाँ प्लान लिखेंगे, है ना? एंड नेक्स्ट प्ले डालेंगे. ओके, यू अंडरस्टैंड? नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए. क्वेश्चन नंबर बी. ये क्वेश्चन नंबर ये था, हम इसे इरेज करते हैं. ओके, ध्यान दीजिए, हम इसको इरेज करते हैं. हमने इसे इरेज कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. चलिए क्वेश्चन नंबर बी में आते हैं. क्वेश्चन नंबर बी. ओके, इसमें क्या करनी है फिर ध्यान दीजिए. अरेंज दीज वर्ड, अरेंज दीज वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर.
इनका ऑर्डर। देखिए क्या है, यहाँ देखिए एप्पल दिया हुआ है, आपका वर्ड मेन्यू दिया हुआ है एप्पल मी जू हैप्पी हूँ ऑन। हमको करना क्या है, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजानी है। ओके, तो एक एक करके हम सजाएंगे। नंबर वन, फर्स्ट एबीसीडी के क्रम में क्या आता है, पहले ए आता है, फर्स्ट हम राइट करेंगे ए। पर नेक्स्ट ए आपका क्या आता है, देखिए बी सी डी ई एफ जी एच आता है, एच से हम हैप्पी डालेंगे। ओके हैप्पी, ठीक है। नंबर थर्ड, ए चैप्टर क्या आता है, ध्यान दीजिए ए चैप्टर आई जे के एल एम, एम आता है एम से कुछ है, एम से मी है, तो हम यहाँ क्या डालेंगे मी। नेक्स्ट नंबर फोर, एम आपका एन एंड ओ, तो ओ से कुछ है ऑन, ओके हम ऑन डालेंगे। एंड फाइव नंबर, ऑन आपका ओ के बाद क्या आता है, पी क्यू आर एस टी यू वी, इससे कोई वर्ड नहीं है, यहाँ क्या है डब्लू है, डब्लू से हूँ, सो हम हूँ डालेंगे। एंड नेक्स्ट बस गया लास्ट में जू, तो हम लास्ट में जू डाल देंगे। ओके नो प्रॉब्लम, ये हो गया आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखिए एप्पल हैप्पी मी ऑन हू एंड जू, इस तरीके से हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी में जो है थिंक ऑफ एनी ट्वेल्व एनिमल्स एंड नाउ रियरेंज दिस एनिमल इन दिस एनिमल्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्वेश्चन आता है कि आपको 12 एनिमल्स के नाम सोचने हैं और तब उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में राइट करना है। सो हम समझिए यहाँ लिख ही देते हैं, कोई भी 12 एनिमल्स नेम हम डालते हैं और तब उसको जो हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाते हैं। राइट था हॉर्स कैट गोट लायन टाइगर, टाइगर छोटा जेब्रा मंकी रैट कैमल डालेंगे हैं। ओके अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजा।
आसानी। हाँ ओके, ध्यान दीजिएगा जो पहले आता है एबीसीडी के क्रम में, ध्यान दीजिए तो क्या आता है, पहले एंट आता है, सो हम राइट करेंगे एंट। ओके, एंट आफ्टर बी से कोई वर्ड नहीं है, मैं राइट करेंगे सी में आएंगे, सी सी में दो वर्ड है, सी ए टी कैट एंड सी ए एम ए कार्बन। तो क्या हो गया, सी ए दोनों में कॉमन है। फिर हम थर्ड लेटर पर जाएंगे टी एंड एम पर, तो पहले क्या आता है टी या एम, ध्यान दीजिएगा पहले आता है एम। ओके, तो हम यहाँ डालेंगे कैमेल, हम पहले डालेंगे कैमेल। नेक्स्ट कैमेल आफ्टर क्या आता है, कैट। सी आफ्टर डी से कोई वर्ड है, ध्यान दीजिए डी से डॉग, हमने डॉग डाला तो क्या हो गया ए डी नहीं है, सी एंड डी। डी आफ्टर ई, ई से कुछ नहीं है, एफ से क्या है फॉक्स, यहाँ फॉक्स डालेंगे फॉक्स। नेक्स्ट फॉक्स आफ्टर एफ, एफ के बाद क्या है जी, जी है गोट, यस गोट डालिए गोट। एंड नेक्स्ट एच हैन डालेंगे, है ना, तब जो है हम हैन डालेंगे, हैन आफ्टर आई जे के एल, जैसे कुछ नहीं है एल से लायन है, फिर हम लायन डालेंगे। लायन आफ्टर मंकी, फिर हम मंकी डालेंगे। एम आफ्टर क्या आता है, हैन आफ्टर भी हॉर्स भी है, सॉरी यहाँ ध्यान दीजिए एच से दो वर्ड, एच से दो वर्ड क्या क्या है, हैन आफ्टर चूंकि एच ई, ई पहले आता है उसके बाद ओ आता है, हम यहाँ हॉर्स डालेंगे। यहाँ क्या हो गया हॉर्स, हॉर्स के बाद क्या हो गया जी एच आई जे के है, एल से क्या है लायन, लायन आफ्टर मंकी। मंकी, मंकी आफ्टर क्या आएगा, ध्यान दीजिए मंकी के बाद क्या बचता है आप रैट, रैट डालेंगे एंड देन यू राइट जेब्रा। देखिए ए बी से कोई वर्ड नहीं है, सी से सी ए, एम ई एम कैमल है क्योंकि टी से पहले एम आता है, फिर कैट अगेन डॉग फॉक्स, एफ आफ्टर जी, जी से गोट एंड एच, एच से दो वर्ड्स हैं हॉर्स एंड हैं। हम फर्स्ट लेटर तो दोनों में एच है, फिर सेकेंड लेटर में जाएंगे ई और ओ, ई फर्स्ट आता है सो यू राइट हैन एंड देन यू राइट हॉर्स। आफ्टर दिस एच आफ्टर एच आई जे के एल, तो फिर एल आता है, एल से लायन, लायन आफ्टर मंकी एंड देन यू राइट रैट एंड जेब्रा। ओके, इस तरीका से हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सजाते हैं, यू अंडरस्टैंड। Have a nice day.